नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेक ड्रीम्स के एक और नए एपिसोड में। तो गाइस, आज के हमारे इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बेस्ट बजट गेमिंग माउस के बारे में। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखें और कहीं मत जाइएगा, वी विल बी राइट बैक। टुडेज वीडियो इज ब्रॉट टू यू बाय पिटकार्ट। पिटकार्ट इज एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ मास कंप्यूटर्स नेहरू प्लेस, जहां जाकर आप बाय कर सकते हैं प्री बिल्ड या फिर कस्टम पीसीज with some amazing offers like EMI payments, free shipping and warranty assistance. Link in the description down below. तो आज के इस वीडियो में हम लोग रिव्यू करने वाले हैं एक ऐसे गेमिंग माउस को जो कि ऑलरेडी बजट गेमर्स के बीच में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। जी हाँ, हम लोग बात करने वाले हैं Logitech के G102 Prodigy गेमिंग माउस के बारे में। तो ये गाइस, स्टार्ट करते हैं इस प्रोडक्ट की एक क्विक अनबॉक्सिंग से। तो कुछ इस तरह की बॉक्स पैकेजिंग आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। बॉक्स की क्वालिटी बहुत अच्छी है एंड इट लुक्स रियली अट्रैक्टिव। अब आइए इसे ओपन कर लें जल्दी से। तो यहाँ आपको दिया जाता है सिर्फ द मेन यूनिट विच इज द गेमिंग माउस इटसेल्फ। फर्स्ट इंप्रेशन की बात करें तो वेरी लाइट इन वेट, साथ ही में बात करें लुक्स या फील की तो बिल्कुल भी चीप फील नहीं होता ये माउस। प्राइस के हिसाब से काफी प्रीमियम लुक्स यहाँ पर आपको दिए जाते हैं। अब गाइस, बात करें गेमिंग माउस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज की जो कि होता है उसका सेंसर। तो यहाँ पर आपको दिया जाता है Logitech का इन हाउस मर्क्यूरी सेंसर। तो इस प्राइस सेगमेंट के ऊपर गाइस, इट इज लिटरली द बेस्ट गेमिंग सेंसर यू कैन गेट। जी हाँ, कोई भी आपका फर्स्ट पर्सन शूटर गेम्स, ई स्पोर्ट्स टाइटल्स, किसी भी गेम में आपको इस सेंसर को यूज करते हुए ये माउस बहुत ही अमेजिंग परफॉर्मेंस देने वाला है। अब गाइस, बात करें DPI की तो DPI यहाँ पर आपको दी जाती है अप टू 8000 और आप चाहें तो आप इसका जो DPI स्विच है उसको आप Logitech के गेमिंग सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए आप उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और आप अपने आप 5 DPI मोड सेट कर सकते हैं उस बटन के ऊपर। हालांकि यहाँ पर आपको लाइक दो बटन्स नहीं दिए जा रहे, एक सिंगल बटन दिया जा रहा है एज द DPI स्विच, विच मीन्स कि जब भी आपको DPI को वापस से लेकर आना है पीछे की तरफ, यानी कि वापस किसी भी पर्टिकुलर DPI लेवल पे आपको लेकर आना है तो आप सीधा एक स्टेप घटा नहीं सकते, आपको पूरा साइकिल दोबारा रिपीट करना पड़ेगा DPI मोड। बात करें यहाँ पर गाइस क्लिक बटन्स की, तो यहाँ पर आपको जो बटन्स दिए जा रहे हैं वो दिए जा रहे हैं ओमरॉन के बटन्स, जिनकी लाइफ साइकिल रेटेड है अप टू 10 मिलियन क्लिक्स पर। साइड की बात करें गाइस, तो साइड पर आपको दिया जाता है यहाँ पर दो फुली प्रोग्रामेबल बटन्स जिनका प्लेसमेंट बहुत ही अच्छा दिया गया है, आप बहुत ही इजीली इनको एक्सेस कर सकते हैं गेमिंग के टाइम पर। साथ ही में यहाँ पर आप इनको पूरी तरह कॉन्फ़िगर भी कर पाएंगे, अगर आप चाहें तो आप सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए कॉन्फ़िगर कर सकते हैं या फिर आप इन गेम सेटिंग्स में भी इन बटन्स को प्रोग्राम या कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पर किसी भी तरह की आपको साइड ग्रिपिंग नहीं देखने को मिलती इस माउस में, जो कि आप एक कॉन कह सकते हैं, लेकिन स्टिल इस प्राइस पॉइंट के ऊपर जिस बजट पे आता है यू कांट रियली कंप्लेन। केबल्स की बात करें गाइस, तो यहाँ पर आपको 2 मीटर की नॉन ब्रेडेड केबल दी जा रही है जिसके साथ आपको एक ठीक ठाक क्वालिटी का USB कनेक्टर दिया जाता है। अब बात करें इस गेमिंग माउस के एक और इंटरेस्टिंग फीचर की, तो वो है इसका RGB। जी हाँ, ये माउस है एक फुली RGB गेमिंग माउस। यहाँ पर गाइस आपको सेंटर में दिए गए ये Logitech लोगो और साइड पे फुल RGB LED लाइटिंग देखने को मिल जाती है जिसे आप फुली कस्टमाइज कर सकते हैं यूजिंग द Logitech सॉफ्ट। इस पे आप प्री बिल्ड इफेक्ट्स को अप्लाई कर सकते हैं अपने गेमिंग माउस पे और चाहें तो आप फिर मैनुअल इफेक्ट्स भी खुद कन्फिगर कर सकते हैं या क्रिएट कर। बस फाइनल वर्डिक्ट की बात करें इस गेमिंग माउस के लिए मेरे, तो इस प्राइस पॉइंट के ऊपर स्पेशली आपको मिलता है द बेस्ट बजट गेमिंग सेंसर माउस के अंदर। एक सेकेंडली आपको यहाँ पर मिल रही है फुल RGB जिसको आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं। उसी के अलावा यू आर गेटिंग अ डिसेंट बिल्ड क्वालिटी माउस जो कि है बहुत ही लाइट इन वेट और परफॉर्म करता है बहुत ही ऑसम गेमिंग टाइटल्स में। तो मेरे हिसाब से बहुत ही वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है और अगर हैं आप एक बजट के ऊपर तो आप बिल्कुल भी निराश नहीं होने वाले इस प्रोडक्ट। बात कर लें प्राइस की, तो ये आपको मार्केट में देखने को मिल जाएगा 1200 रुपये के आसपास। वहीं अगर ऑनलाइन खरीदेंगे तो आपको 1300 रुपये में ये गेमिंग माउस बहुत ईजिली मिल जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा जहाँ से जाकर आप बाय कर सकते हैं, उससे चैनल को आपको थोड़ा सा सपोर्ट। तो ये सब जल्दी से बात कर लेते हैं गिव अवे की। तो मैं करने वाला हूँ इस एक गेमिंग माउस गिवअवे जो कि स्पॉन्सर्ड है बाय bitcard.in। तो अब करना क्या है, पार्ट कैसे लेना है, मैं स्टेप्स को नीचे भी मेंशन कर दूंगा और मैं आपको एक बार बता भी देता हूं। सिंपली आपको लाइक करना है bitcard.in का फेसबुक पेज जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आपको पेज लाइक करना है। साथ ही में आपको लाइक करना है टेक ड्रीम्स का पेज और चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ ही में आपको फॉलो करना है मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट। सर्च कीजिए टेक ड्रीम्स इंडिया विदाउट एनी स्पेस जो कि आपको दिख रहा है यहाँ स्क्रीन पर, और फॉलो कीजिए क्योंकि जो रिजल्ट्स रहेंगे गिव अवे के वो यहीं पर अनाउंस किए जाएंगे। और साथ ही में गाइस आपको कमेंट करना है अपना करंट गेमिंग माउस जो कि आप फिलहाल यूज कर रहे हैं विद द हैशटैग गिव अवे टेक ड्रीम। और गाइस कमिंग संडे को मैं अपने इंस्टाग्राम पे चूज करूंगा एक विनर यूजिंग द रैंडम कमेंट पिकर आप सभी के सामने, तो रैंडमली विनर चूज किया जाएगा। तो अगर काफी लोग मुझे मैसेज करते हैं कि मेरे को दे दो तो यार
यार मेरे हाथ में नहीं होता, इट्स अ रैंडम लाइक कमेंट जो पिक किया जाता है, तो रैंडम कमेंट पिकर को यूज करते हुए ही इस गिव अवे का जो रिजल्ट है वो डिसाइड किया जाए। तो गाइस आज की वीडियो, अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, साथ ही में सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और दबाएं उस बेल आइकन को भी, ताकि आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आए सबसे पहले। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में, टिल देन, चीयर्स।